वाल्मीकि समाज की ओर से आज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 35 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जिन्होंने अपने जीवन साथी के साथ सात फेरे लेते हुए जीने मरने की कस्में खाई। इस मौके पर वाल्मीकि समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति द्वारा सभी जोड़ों को शादी के बाद काम आने वाली सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई गई और उन्हें आशीर्वाद देकर खुश रहने की मनोकामना की। सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हुए महंगाई व खर्चे से बचने के लिए इस आयोजन को आयोजित किया गया। विवाह सम्मेलन में सजी धजी दूल्हों की बारात जादूगर मोहल्ले निकली और विभिन्न मार्गों से होते हुए अजमेर के आजाद पार्क पहुंची। तोरण के साथ सभी दलों ने दुल्हन के साथ फेरे लिए और परिणय सूत्र में बंधे। इस मौके पर बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में विवाह का सफल सम्मेलन आयोजित करवाया गया। वाल्मीकि समाज का आज 13वां सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। इसमें हमने स्टेशन रोड से किंग एडवर्ड मेमोरियल से बारात रवाना करके जयपुर रोड होते हुए आजाद पार्क में आई है और इसमें 35 जोड़े इसमें भाग ले रहे हैं और राजस्थान के नहीं बल्कि पूरे देश से यहाँ पे जोड़े शामिल है। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि वाल्मीकि समाज के अंदर जो भेद पड़ता है उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। ये पूरे भारतवर्ष में अजमेर जिला एक ऐसा है जहाँ पे कि पूरे भारत के अंदर यानी कि मान के चलो लगातार 13वां सम्मेलन सम्पन्न होने जा हो रहा है और इसके अंतर्गत जो विवाह के अंतर्गत जो वर और वधु है उनको उपहार स्वरूप कुछ चीजें सोने की चांदी की अलमारी पलंग वगैरह ये सब चीजें उपलब्ध कराई जाती है समिति की ओर से। और हमारे समिति के अध्यक्ष आनंद जी महाराज का अथक प्रयास है और सभी वाल्मीकि समाज की जो सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति है ये पूरी तरह से इस काम में मिशन में लगी हुई है कि आने वाले टाइम में जो वाल्मीकि समाज के अंदर भेद पड़ता है वो पूरी तरह से समाप्त हो। विवाह सम्मेलन का एक ही मकसद है कि महंगाई का जमाना है और लोगों को रोजगार मिला हुआ नहीं है, ऐसे में जो शादियां करते हैं उसमें फिजूल खर्चे को पूरी तरह से समाप्त किया जाए और वाल्मीकि समाज के लोगों के पास में रोजगार की कमी है और ये गरीब तबके के लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज के अंतर्गत भेद प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो।